are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Six point. Fresh space से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर आपने एनए पढ़ा होगा बचपन में, इफ एनए इज नॉट एप्लीकेबल, एनए न्यूमेरिकल एनालिसिस, सर इट वॉज एनए फॉर अस. उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आफ्टर एरर एनालिसिस इज जीरो चैप्टर, उसे जीरो चैप्टर बोलते हैं. जो फर्स्ट चैप्टर है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंड अलजेब्रिक इक्वेशंस, इन विच वी डिस्कस बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी, फॉल्स पोजिशन, न्यूटन रैप्शन, और जो बाइसेक्शन है उसको बोल्जानो मेथड भी बोलते हैं, एंड अदर इटरेटिव स्कीम्स, लीनियर इटरेटिव स्कीम पढ़ते ना उस टॉपिक में. देयर आर मेन कंसर्न वॉज फिक्स पॉइंट. अगर आप देखा जाए तो मेजरली आप फिक्स पॉइंट में इंटरेस्टेड होते हो, कुछ ऐसा गुणा भाग करते हो. अगर मैं आपको लीनियर इटरेटिव स्कीम दिखाऊं, ऐसे होती है लीनियर इटरेटिव स्कीम. एक ये लाइन है y इक्वल टू एक्स और एक ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, दोनों एक की लाइन है. ये एक फंक्शन है और एक ये फंक्शन है जो कट कर रहा है. दोनों में एक चेंज ये है कि एक के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका एंगल 90 डिग्री से लेस है और इस पे जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री से ज्यादा है. ये जो डिफरेंस दिख रहा है दोनों कर्व में दिख रहा है ना, बेसिक डिफरेंस. व्हाट यू डू, यू स्टार्ट विद एनी आर्बिट्री पॉइंट से एक्स नॉट एंड दैट पॉइंट यू पुट इन दिस फंक्शन, व्हाट एवर दैट फंक्शन इज फाइव एक्स से, और ऐसे ऊपर जाते हो. दिस इज एक्स नॉट कॉमा फाइव एक्स नॉट. इफ दिस इज वाई इक्वल टू फाइव एक्स, व्हाट दिस पॉइंट इज एक्स नॉट कॉमा फाइव एक्स नॉट. इससे आप इस लाइन पे जाते हो और फिर इस पे आते हो, फिर ऐसे, फिर ऐसे. ठीक है, यू एक्स फाइव ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स वन, देन यू रिप्लेस एक्स वन फाइव एक्स वन, देर इज एक्स टू फाइव एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन. ये जो रख रहे हैं ना ये यहां रख दिया उस पर, फिर से ये एक्स टू बन गया मेरा, फिर एक्स वन बन, ये एक्स नॉट, यहां से ये y इक्वल टू एक्स वन है ना, ये एक्स नॉट, फिर एक्स वन, फिर एक्स टू एंड सो ऑन इन दिस वे. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू फाइव एक्स एंड देन y इक्वल टू फाइव एक्स इक्वल टू x हो जाएगा इस पॉइंट पे. सो दिस इज x इक्वल टू फाइव एक्स, x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हियर व्हाट यू डू, यू चूज एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट, देन दिस ऐसे उस पर लिया, कर्व पे आए, फिर एक्सेस पे, फिर इट इज कॉल्ड स्पाइरल केस, इट इज कॉल्ड स्टेयर केस, है ना, एंड दिस होल इज कॉल्ड लीनियर इटरेटिव स्कीम और फिक्स पॉइंट स्कीम, इसे बोलते हैं. क्यों बोलते हैं पॉइंट, वो दैट इज अ सेपरेट इशू, बट दिस इज कॉल्ड लीनियर इटरेटिव और फिक्स पॉइंट स्कीम, वेयर वी आर ट्राइंग टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू फाइव एक्स. ये दो फंक्शन है एंड ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट फाइव एल्फा इक्वल टू एल्फा ही आएगा, है ना, दैट एल्फा अंडर फाइव इज इनवेरिएंट, द इमेज ऑफ एल्फा इज एल्फा. सच पॉइंट विच आर इनवेरिएंट अंडर एनी फंक्शन आर कॉल्ड फिक्स पॉइंट और इनवेरिएंट पॉइंट. ठीक है, सो ऑब्वियसली द फिक्स पॉइंट ऑफ एनी फंक्शन आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स, और सॉल्यूशन ऑफ एक्स माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो तो हम डिफाइन कर लेंगे, ये दो टूल मिल जाएंगे एंड ऑल द रिजल्ट्स आर बेस्ड ओवर दिस टूल ओनली. कि यहां पर हमने ऐसे भी देख लिया, ये दो अलग दिखाने का पर्पस ये था कि एक में ऐसा हो रहा है और एक में, इन वन द टेंजेंट हैज स्लोप नेगेटिव, हियर स्लोप पॉजिटिव, और पूरे ये प्रोसेस में ना जो इनिशियल पॉइंट एक्स नॉट चूज करते हैं ना, वो ध्यान ये रखा जाता है कि जो फाइव डैश एक्स नॉट हो या एक्स नॉट जिस नेबरहुड से पहला पॉइंट चूज किया आपने, इन दैट नेबरहुड इट शुड बी लेस देन वन. डेरिवेटिव जो होता है ना, यानी जो फाइव डैश एक्स आएगा वो माइनस वन और वन के बीच में आएगा. जब माइनस वन और जीरो के बीच में होता है
माइनस वन, तो ये वाला केस बनता है, और जीरो वन के बीच में होगा तो ये वाला केस बनेगा। सीधे सीधे ऑप्शन पूछे गए हैं इन द लीनियर इटरेटिव स्कीम, द फोर ऑप्शंस वाज दिस काइंड ऑफ मैचिंग, इफ फाइव डैश लाइज बिटवीन दिस स्टेयर केस और दूसरा स्पाइरल केस, और दूसरे कर दिया स्टेयर केस, पर चार ऑप्शन बन गए बड़े आराम से। तो आपको पता है कब स्टेयर केस बनेगा, जब मेरा ये पॉजिटिव जीरो वन के बीच में होगा तो स्टेयर केस, और माइनस वन और जीरो के बीच में होगा तो स्पाइरल केस। जिससे आपने सीखा होगा कॉब वेब फिनामिना, है ना, कॉब वेब फिनामिना क्या कहता है, ऐसे जाते हैं ऐसे 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 ऐसे, या जैसे इस स्टेज पे था कहीं पर, मान लीजिए यहां, ठीक है, ये मेरा क्विक स्टेज है, प्रोडक्शन और प्राइस, सिंपल रूल होता है ना, डिमांड एंड सप्लाई। प्रोडक्शन अगर डिमांड से कम होगा सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, जब डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो प्राइस नीचे आ जाएगी। तो किसी एक स्टेज पे यहां पर प्राइस था, मतलब पिछले साल दिसंबर में यहां पे प्राइस था किसी एक क्रॉप का, मान लेते हैं एप्पल का, जो भी देखा कि यार या टोमेटो केस बहुत होता है, ये टोमेटो सबसे ज्यादा ये होता है, खासतौर से छोटी टाइम की है, लोगों ने देखा यार इतना इस समय ये प्राइस है और सबके पास कम पड़ गया, यार डिमांड बहुत थी, सबको लगा यार होता थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमारे पास तो कमा लेते, सबने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जब सबने बढ़ा दिया प्रोडक्शन तो प्राइस नीचे, बहुतों को नुकसान हो गया, ट्रक ट्रक रखे हुए हैं किराया भी निकल रहा है, दो रुपए किलो आ गया, तब 20 रुपए किलो था, तो सबको टेंशन हुई, सबने गिराया प्रोडक्शन, फिर सबने गिरा दिया, जब सबने गिरा दिया तो फिर डिमांड से वो कम हो गया तो फिर प्राइस, बट पक्का यहां तो नहीं गिराएगा ना प्रोडक्शन, मुझे पता है इस वाले प्रोडक्शन पे तो हमारा प्राइस डिमांड से कम था प्रोडक्शन, तो फिर प्राइस बढ़ेगी और फिर सब बढ़ाएंगे, लेकिन ये एक लैंडस्केप आ गया ना कि यहां पर तो पता है कि इस केस में तो हमारा कम हो गया था, फिर ऐसे ये ऐसे होते होते ओवर द पीरियड रेट फिक्स होता है डेल्टा नेबरहुड की, किस तरह से किस चीज का रेट फिक्स होता है, तो ओवर द पीरियड डिमांड सप्लाई आर कैलकुलेटेड इन दिस वे दे रिड्यूस और इंक्रीज द प्रोडक्शन। बीच में कुछ ऐसा आ जाता है, कोई एक व्हाट्सएप पर मैसेज चल पड़ा प्याज डाल दो होली में तो मच्छर मर जाएंगे टाइप का, तो प्याज की डिमांड बढ़ जाएगी, ये आर्टिफिशियल है नहीं। जस्ट वॉचिंग वीडियोज वॉन्ट हेल्प, यू नीड टू प्रैक्टिस योर लर्निंग बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। गेट द लेटेस्ट प्रैक्टिस बुक्स फ्रॉम डिप्स, क्लिक ऑन द लिंक टू बाय नाउ। वो डिमांड बढ़ा दी उनने तो ये, बट नॉर्मल डिमांड इस तरह से बात नहीं करती, नॉर्मल डिमांड मीन इन दिस वे नहीं, कोई नीली रेतेल डाल दे आजकल चल रहा है कि नीली, कुछ कुछ दिमाग लगाते रहते हैं लोग, बट इन दिस वे बाय पर्टिकुलर इशू प्राइस ऑफ समथिंग, अगर उसको लोग एनालाइज ना करें इस चीज को और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लें तो फिर नुकसान होता है, नेक्स्ट सेशन वही नुकसान होगा उनको, तब तो लोगों को मालूम चल रहा था फालतूबाजी थी, फिर वो डिमांड अगले साल नहीं बढ़ेगी ना। अगर किसी ने देखा पिछले इतनी डिमांड थी, रीजन नहीं समझा उसने कि रीजन क्या था, पिछले साल अभी यहां पे क्लास में ऐसी डिस्कशन हुआ था, पिछले साल अचानक नमक के दाम बढ़ गए, नमक कुछ होने वाला है नहीं, तो लोगों ने होल्डिंग करना शुरू कर दिया, एक कहता हाँ सर तब होल्डिंग होने हम भी कर ले आए, हमने तुम हॉस्टल में रहते हो यहां पर ना, कहते हाँ सर फिर 2 किलो ले आए एक पैकेट, हम तुम क्यों ले आए, तुम खाना बनाते नहीं लेके करोगे क्या 2 किलो है ना, क्वेश्चन नहीं हो रहा कोई फायदा नहीं होगा, एक चुटकी लिया और एक चुटकी नमक एक क्वेश्चन, बट दिस इज व्हाट हुआ, इस ऐसे ऐसे इवेंट ने क्या किया, एकदम से जो डिमांड ने कहां पहुंचा दी, एक तो डिमांड बढ़ गई, ऊपर से होर्डिंग भी हो गई और खत्म, तो ये एनालाइज, तो ये जो मैथमेटिकली हम बात करते हैं फिक्स पॉइंट इटरेशन, इसको कन्वर्ज करना होगा और ये एस्टिमेटेड होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगता है, तो ये सारे हमारे फिक्स पॉइंट स्कीम में आते हैं। एनए में ये सब एनालिसिस नहीं होता कि फिक्स पॉइंट होगा कि नहीं होगा, वहां पर सीधे शुरू हो जाते हैं, कोई फंक्शन दिया जाएगा हम सीधे उसको न्यूटन रैप्शन में या किसी में भी कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन रैप्शन मेथड भी देखो अगर आप, तो ऐसा होता है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ये होता है बेसिकली, एक ये फंक्शन है इसको मान लो फाइव एक्स, एक्स माइनस
एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, ये एक फंक्शन है फाई एक्स, हम इसके फिक्स पॉइंट निकाल रहे होते हैं वहां पर, एक्स इक्वल टू वही तो कर रहे हो आपने, एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, इसके फिक्स पॉइंट आप निकाल रहे हो। तो जनरली यू ट्राई टू फाइंड अ फंक्शन हूज फिक्स पॉइंट इज टू बी ऑप्टेन एज अ सॉल्यूशन। ये फंक्शन कहां से आया होगा, तो कुछ और ढूंढ रहा होता है, वहां पर ये कर रहे होते हैं कि जैसे अभी हम ये पॉइंट निकालना चाह रहे थे तो ऐसे आ रहे थे, कोई ये पॉइंट निकालना चाहता है, ये वो कौन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, इस पॉइंट पर अगर अल्फा है तो व्हाट इज एफ अल्फा, व्हाट इज एफ अल्फा जीरो, तो कोई इसका रूट मिल जाएगा हमको एफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक आर्बिट्री पॉइंट लिया उसने यहां पहुंच गया, दिस इज आर्बिट्री पॉइंट एक्स नॉट, यहीं से टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया, फिर ऐसे गए, फिर यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दी, फिर ऐसे फिर टेंजेंट, ये लो पहुंच गए रूट तक, दिस इज न्यूटन रैफसन मेथड है ना, दिस इज दिस मेथड, ये जो कर रहे थे ये ऐसे फंक्शन बन रहा है। सो आर फर्स्ट टास्क इज टू डिफाइन एंड टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, ठीक है, लिखिए डेफिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट, दिस आर द मोटिवेशन फॉर टॉपिक की वाई वी नीड फिक्स पॉइंट। डेफिनेशन, अल्फा बिलोंग्स टू आर, इज सेट टू बी अ फिक्स पॉइंट और अल्फा बिलोंग्स टू आर इज सेट टू बी अ फिक्स पॉइंट और एफ इनवेरियंट फिक्स पॉइंट ऑफ एफ, फिक्स पॉइंट ऑफ एफ और एफ इनवेरियंट, एफ इनवेरियंट डैश लगा के इनवेरियंट अंडर एफ, इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर इज सेट टू बी अ फिक्स पॉइंट ऑफ एफ और एफ इनवेरियंट इफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा। एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा, दिस सिंपल डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस साइन एक्स, सपोज साइन एक्स, देन एफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ जीरो इक्वल टू जीरो, देन जीरो इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ साइन एक्स एज अ फंक्शन, ठीक, जहां पे वो इमेज खुद ही आ जाए, दैट इज फिक्स पॉइंट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स, दूसरा एग्जांपल, तो एफ ऑफ हाफ इक्वल टू हाफ, सो वन बाई टू इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ एफ और एफ इनवेरिएंट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स दिस मॉड माइनस वन, माइनस वन नहीं माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स शुद्ध लगेगा। अब ढूंढने हैं, अच्छा मैं यहां पे ई पुट करूं तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू ई, पक्का, तो व्हाट इज एफ ऑफ ई इक्वल टू ई, अच्छा व्हाट इज एफ ऑफ माइनस ई, पक्का ना माइनस ई है ना, एफ ऑफ वन अपॉन ई रखें तो एफ ऑफ माइनस वन अपॉन ई रखें तो माइनस वन अपॉन ई, दे आर जो रख रहे हैं वही आ रहा है ना, दे आर फिक्स पॉइंट्स, कितने हो गए, चार चार फिक्स पॉइंट है इसके पास, दे आर फोर फिक्स पॉइंट्स एंड रादर एग्जैक्टली फोर फिक्स पॉइंट्स, प्रूफ कर पाएंगे, इससे ज्यादा है भी नहीं।
But they may ask, has no fixed point, one fixed point, at least one fixed point, countably infinite fixed point or uncountable fixed point. These are the type of questions. Sometimes you are asked to find fixed points, sometimes you are asked to count fixed point. दो तरह के questions बनेंगे. कितने fixed point हैं, कौन कौन से fixed point हैं. Clear हो गया? दो नोट लगा लेते हैं जो हमें हेल्प करेंगे हाउ टू फाइंड फिक्स पॉइंट. ठीक है, नोट वन कर दो. क्या आएगा? जीरो. वन तो नहीं आया ना, वन आना चाहिए था क्योंकि वन रखते ही ये कैंसिल हो जाएगा और लॉग वन जीरो होता है. माइनस वन पुट कर दो तो आएगा माइनस टू. माइनस वन करते ही माइनस टू बन जाएगा और ये मेरा जीरो रहेगा. ठीक है. आप CSIR NET या IIT JAM Math Batches ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR NET IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री. डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए. फर्स्ट नोट, द फिक्स पॉइंट ऑफ y इक्वल टू fx. द फिक्स पॉइंट ऑफ y इक्वल टू fx कैन बी ऑब्टेन. द फिक्स पॉइंट ऑफ y इक्वल टू fx कैन बी ऑब्टेन एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx माइनस x इक्वल टू जीरो. y इक्वल टू fx, द फिक्स पॉइंट ऑफ y इक्वल टू fx कैन बी ऑब्टेन एज द रूट्स ऑफ fx माइनस x इक्वल टू जीरो. बात वही है बट ये लिखने का तरीका अलग हो गया. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड फिक्स पॉइंट ऑफ y इक्वल टू fx देन ट्राई टू फाइंड रूट्स ऑफ fx माइनस x दिस इक्वेशन इक्वल टू जीरो. इसके जो रूट्स निकल के आएंगे वो आपके फिक्स पॉइंट्स होंगे. Now, if you are asked to find number of fixed point, so try to find at how many point this intersects x-axis which function? fx minus x. Hai na? fx minus x. Suppose you are asked to find f of x equal to sine x plus x. This is the, what are the fixed point of this function y? So y equal to fx ye diya hua hai. Now fx minus x equal to 0, that means sin x equal to 0, that means x equal to n pi. These are the fixed point of sin x plus x, hai na? These are the fixed point of sin x plus x. Theek hai. Or y equal to fx equal to 2x plus 1 upon x plus cos x. बताइए इसके फिक्स पॉइंट. पेन पेन लिखो, बताओ फिक्स पॉइंट कितने होंगे, कितने होंगे बता दो. कौन कौन से नहीं पूछ रहे, किसी भी क्वेश्चन के रूट निकालना वैसे ही मुश्किल हो जाता है. हाउ मेनी? नो फिक्स पॉइंट. नो नहीं, नो फिक्स पॉइंट है ना. बिकॉज एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स अब ये दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू और लेस देन माइनस टू, बट दिस इज बिटवीन माइनस वन एंड वन, सो दिस इज नेवर इक्वल टू जीरो. सो दिस इक्वेशन हैज नो रूट, सो दिस फंक्शन हैज नो फिक्स पॉइंट, इट डजंट हैव एनी फिक्स पॉइंट. डन. ये पर्पसली हम क्या पा रहे हैं ना, स्टेटमेंट यूजफुल हो गया, सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स प्लस जीरो. सो वी मे थिंक इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वी मे थिंक इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन. जैसे एक्स टू द पावर सिक्स माइनस वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर सिक्स माइनस वन, दिस इज द फंक्शन. माई फंक्शन हूज रूट आई एम इंटरेस्टेड इन एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स पावर सिक्स माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. अब दिस इज वॉट, इसको ऐसे कर ले ऐसे हो जाएगा ये. दिस इज एक्स टू पावर सिक्स वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू
1, x equal to 0, y equal to 1. So these are the point of intersection of these two curve. So this minus equal to 0 has two real roots, and hence the roots of this are fixed point of this. Root is nikalna hai humko equation ke. So this function has two fixed point. Wo to वैसे भी दिख रहा है, 1 और minus 1 put karo yahan par, jo bhi jo root of unity hote hain, six root of unity, उसमें से जो खुद पे भी आ सकता है, बट ये हमको कंफर्म कर पा रहे हैं यहां से कि दिस माइनस, तो एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा. कंफर्म? ये था फर्स्ट नोट. सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो आर दी फिक्स पॉइंट ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स. ध्यान रखिए, x सबट्रैक्ट करते हैं फिर एक इक्वेशन बन जाती है. अब इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं, वो जैसे भी निकालो, उस इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लो, दो अलग ग्राफ करो, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं. जैसे अगर इस कैसी होगी, उल्टा लिख दिया क्या, ऐसे होगी. हाँ, स्लोप इसकी प्लस वन आ रही है, हमने उल्टा कर दिया. एक्स पावर सिक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इक्वल टू एक्स प्लस, अच्छा x माइनस में आएगा ना, ठीक है, आएंगे दो ही, ये अच्छा है, ठीक है, मैं ऊपर से देख रहा था एक्चुअली. ये मेरे पास एक और नोट हो सकता है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स, द फिक्स पॉइंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, वाई डोंट वी डायरेक्टली फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एफ एक्स. लिख लिखते हैं नेक्स्ट नोट, इट मे बी अनदर टूल. The fixed point of y equal to fx are, the fixed point of y equal to fx are the point of intersection of the curves y equal to fx and y equal to x. The fixed point of y equal to fx are the point of intersection of the curves, दो अलग दे रहे हैं, कौन कौन से, y equal to fx and y equal to x. जहां कट कर रहे होंगे वहां पे f alpha equal to alpha आ जाएगा. y equal to fx and y equal to x, the moment they intersect at that point, suppose alpha, तो f alpha equal to alpha ही हो रहा होगा ना. तो sometime when we need to count, this is important. जैसे आपका था f of x equal to साइन एक्स प्लस एक्स, इस ग्राफ का नाम पता है क्या, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ का नाम है शिवन्या, आप लोग भूल जाते हैं इस ग्राफ को. अब याद आ गया ना, इसको शिवन्या ग्राफ बोलते हैं इसको, ठीक है. ये वैसे ही एक्स एक्सिस कट कर रहा है कितनी बार, तो काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अच्छा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखना, f ऑफ x इक्वल टू लॉग, अभी बनाया था हम लोग दिस प्लस x माइनस वन, इसके मुझे फिक्स पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, इसके मुझे फिक्स पॉइंट निकालने हैं. तो या फिर ये कहूं एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो के रूट निकालने हैं, इसके फिक्स पॉइंट मतलब एफ एक्स माइनस एक्स के रूट्स, दिस इक्वेशन. वो क्या बना मेरा, लॉग मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. अब ये लॉग एक्स का ग्राफ जो मेरा है ये है, और ये एक्स इक्वल टू वन का ग्राफ है, तो इसके रूट कितने आएंगे, है ना, वही ई वन अपॉन ई और माइनस ई और माइनस वन अपॉन ई, वही चार यहां पर भी आ गए. तो इस इसके पास कितने फिक्स पॉइंट हैं, जितने इसके रूट होंगे, यानी जितने इसके रूट होंगे, इसके रूट कितने होंगे, तो ये दो अलग करके दोनों के इंटरसेक्शन निकाल लिया हमने. मतलब दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं. नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स इंटरसेक्ट. मैं डायरेक्ट तो होप यू आर लाइकिंग दीज लर्निंग वीडियोस. वांट टू स्टडी विद दुबेसा लाइव? जॉइन आवर ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस फॉर सीएसआईआर नेट मैथ्स एंड जैम. विजिट आवर वेबसाइट और क्लिक ऑन द लिंक हाईलाइटेड टू नो मोर. ग्राफ नहीं ड्रॉ किया, नहीं डायरेक्ट ग्राफ नहीं ड्रॉ किया मैंने, मैंने ये यहां पर और रूट निकालने लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसे ग्राफ नहीं कहीं भी ड्रॉ किया मैंने अभी भी.
ठीक है, जैसे ये ग्राफ मेरा साइन एक्स का है, और ओरिजिन जो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, ये बचपन से हम लोग जानते हैं कि ये टेंजेंट है ओरिजिन पे y इक्वल टू एक्स। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स आएगा, और जीरो पुट करोगे तो वन आ जाएगा। तो एट जीरो द एंगल इज पाई फोर, द स्लोप द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स इज वन, और ओरिजिन से पास हुई लाइन कौन सी है जिसका स्लोप भी वन हो, y इक्वल टू एक्स। कहां कट कर रही है? सिर्फ एक जगह। सो इट हैज ओनली वन फिक्स पॉइंट, जीरो, और कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा। सो वाई इक्वल साइन एक्स हैज यूनिक फिक्स पॉइंट, यूनिक फिक्स पॉइंट। ये ग्राफ इसका है लॉग मॉड एक्स का ग्राफ है केवल, ये और किसी का नहीं है, ठीक है। ये इक्वल टू वन दूसरा, ये वाई इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, वाई इक्वल टू वन, ये जहां कट करेंगे वहां पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी ये जीरो हो जाएगा और इसके जो रूट है वो इसके फिक्स पॉइंट है। तो मैंने ये दोनों ग्राफ किया और ये वाई इक्वल टू वन ड्रॉ कर दिया। यहां पर अगर वो प्लस फाइव कर देता, ये प्लस वन कर देता, तो क्या आता वाई इक्वल टू, यहां प्लस वन कर देता तो मैं क्या करूं, ये करना होता, एक भी नहीं आता। और वो तो यहां भी दिख रहा है क्योंकि यहां पर क्या बनता, प्लस वन सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटी कैन बी जीरो व्हेन बोथ आर जीरो, नेवर। आप पॉजिटिव बोल रहे हो, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सम जीरो कब आता है, जब दोनों सेपरेटली जीरो हो। यहां पे दोनों में से दोनों को जीरो होना पड़ेगा, एक तो कभी जीरो नहीं है तो सम कभी जीरो होगा ही नहीं। सो नो सॉल्यूशन, सो नो फिक्स पॉइंट। बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट फेनोमेना टू फाइंड फिक्स पॉइंट। आपसे कोई पूछे अगर, मान लीजिए कि y इक्वल टू थ्री साइन एक्स, इसके कितने फिक्स पॉइंट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स, नहीं सुंदर टेन साइन एक्स, सेवन। ये तो किया था ना हम लोगों ने पीछे कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये अब टेन और माइनस टेन के बीच मूव करेगा, ये ग्राफ है जो टेन और माइनस टेन के बीच में करेगा, और यहां जहां ये जो टेन है, ये टेन, यहां पे टेन कॉमा टेन होगा, तो ये लाइन तो वाई इक्वल टू एक्स तो यहीं से पास होगी। बट ये जो टेन साइन एक्स है, ये तो प्लस माइनस वन के बीच में साइन एक्स कैसे कैसे मूव करेगा, जब एक्स मेरा ये पाए, ये टू पाए और ये थ्री पाए, थ्री पाए से बड़ा टेन, तो यहां पर ये ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये एक दो तीन और ऐसे इधर तीन और एक ये, सो इट हैज सेवन फिक्स पॉइंट, थ्री पॉजिटिव साइड, थ्री नेगेटिव साइड, एक जीरो, इट हैज सेवन फिक्स पॉइंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स गिव्स यू फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये देखिए, अब पीछे भी ना इस तरह से फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ये है, ये यहां से लूप बनाए, ऐसे जाएं, ऐसे और ऐसे चले जाएं, एक फंक्शन बन गया जो ओपन जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये हाइट मान लीजिए बी है, ये जीरो है, तो जीरो से बी तक का डोमेन आ रहा है, रेंज आ रही है पूरी, और डोमेन क्या है मेरा, ओपन जीरो टू, मान लीजिए ये ए है, ओपन जीरो टू ए, बट जीरो पे ओपन है, रेंज में क्या आ रहा है, जीरो भी आ रहा है रेंज में, तो पूरे यहां से यहां तक आ रहे हैं, ये मान लीजिए हाइट बी है, इजंट इट। तो ये आप फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो जिसका डोमेन जीरो से ए के बीच में हो, जीरो पे ओपन और ए पे क्लोज्ड हो, और रेंज जो आए वो क्या है, क्लोज जीरो टू बी, और आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एग्जिस्ट कर गया नहीं कर गया, आपके पास पॉइंट है, इक्वेशन लिख लीजिए। तो ये तरीका है सोचने का, चलो फंक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब आपसे कोई ये पूछे, ये जो आप लाइन ऊपर ड्रॉ करते हो, बताते हो कि रेंज इसकी बाहर नहीं जानी चाहिए, दैट मीन्स द रेंज ऑफ व्हाट एवर द फंक्शन दिस इज, आई वी डोंट नो, किसी ग्राफ तो है कंटिन्यूअस फंक्शन का, उसकी रेंज जीरो और बी है, एफ एस इज लेस देन इक्वल टू बी और नॉट फॉर ऑल एक्स। अब अगर हम देखिए,
ये a, ये y इक्वल टू x लाइन है. इफ दिस इज a, दिस इज b, दिस पॉइंट विल बी व्हाट? A कॉमा a, दिस पॉइंट इज b कॉमा b, दिस इज a, दिस इज b. एक ग्राफ ड्रॉ करो जो इस लाइन से स्टार्ट हो और इस लाइन पे खत्म हो और इसको कट ना करे. मतलब जैसे ये बनाओ बिना पेन उठाए, ये बनाओ बिना पेन उठाए, बीच में बिंदी भी चाहिए, है ना? बनाते नहीं पेज मोड़ के, बेईमानी करते थे जब सब होशियार बच्चे है. ऐसे पेज मोड़ लिया, यहां लिख लिया और ऐसे ऊपर आए, फिर यहां आके पहरा दिया, फिर घुमा दिया. बट वो उसे बेईमानी कहते हैं. दैट इज पेन नहीं उठाया आपने, वो पेज तो जो विड्थ है ऑलमोस्ट जीरो. सो बट दिस इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट? सो हियर इफ यू वॉन्ट टू हैव अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन हुज ग्राफ और कर्व डजंट ब्रेक स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग ऑन दिस लाइन, इट हैज टू इंटरसेक्ट हियर. करना पड़ेगा नहीं करना? और ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू एक्स. जो भी y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एस को इंटरसेक्ट करता है, जहां करता है वो फिक्स पॉइंट होंगे. ये कुछ आप ऐसा करना चाह रहे हो कि जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है. अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करना है तो डोमेन मेरा और इस पॉइंट पे खत्म करना है ना? अच्छा, बीच में ऐसे कर ले, ये मेरा C, मेरा ये D. अब देखो यहां से स्टार्ट होगा, यहां इस दोनों लाइन के बाहर नहीं जाएगा. आपने पिछले केस में अपने ऐसे कहा कि बिना कट किए हमने कंडीशन लगाई नहीं थी और फिर भी आपने मना कर दिया कि नहीं मिलेगा, जबकि देखो मिल रहा है. मैंने तब यही कहा था कि इस लाइन से स्टार्ट हो, इस लाइन पे खत्म हो. है? मैंने कहा था इस लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब तो नहीं बोला था ना. लाइन ड्रॉ की थी वो, मेरी मर्जी कहीं ड्रॉ कर दूं मैं. बट जब कंडीशन अप्लाई करोगे, इट शुड नॉट गो अबव दिस लाइन और बिलो दिस लाइन, देन दिस इज कंस्ट्रेंट ना. अगर आपको कट नहीं करना तो बाहर लेके जाना होगा. व्हेन दिस इज कंस्ट्रेंट लाइक हियर ए बी क्लोज इंटरवल ए बी और सी डी क्लोज इंटरवल एंड दिस इज कंटेनिंग ए कॉमा बी. ठीक है, देखिए नाउ दीज टू रेस्ट्रिक्ट द रेंज ऑफ फंक्शन. ट्रू, द ग्राफ शुड नॉट गो अबव दिस लाइन एंड बिलो दिस लाइन. अगर कोडोमेन में ये कर दूंगा तो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए. बट इफ आइदर दिस और दिस, वॉट एवर यू चूज, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस. इफ डोमेन इज दिस, ऑलवेज विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंड एट दिस पॉइंट. तो कट तो करना पड़ेगा इस लाइन को इस केस में भी. इट मीन्स वॉट? फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट वन फिक्स पॉइंट. अब जा कैसे रहा वो तो अलग बात है कि आप ऐसे गए फिर ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर आ गए, बहुत बार कट कर लिया आपने. सो इट मे हैव मोर देन वन फिक्स पॉइंट, बट एटलीस्ट वन फिक्स पॉइंट. दिस कॉल्ड फिक्स पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. वेरी पॉपुलर, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. लिख लीजिए, लेट एफ इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, फिक्स पॉइंट प्रॉपर्टी स्टेटमेंट का नाम है फिक्स पॉइंट प्रॉपर्टी. Let f is a continuous function from closed interval ab to itself. Let f be a continuous function from a closed interval ab to itself. Closed interval ab to itself. Then there exists alpha belongs to closed interval AB such that f alpha equal to alpha, that is f has fixed point. Let f be a continuous function from closed interval AB to itself. मतलब क्लोज इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल ए बी और कॉन्टिन्यूस इज ऑल्सो गिवेन. देन देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन नहीं, मतलब एंड पॉइंट भी मिल सकते, हो सकता है एंड पॉइंट ही मिले. क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ अल्फा इक्वल टू
अल्फा, दैट इज एफ हैज एट लीस्ट वन फिक्स पॉइंट. हो सकता सारे फिक्स पॉइंट हो जाएं. आप ले लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्लोज इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल ए बी, सारे फिक्स पॉइंट मिल गए नहीं मिल गए. अगर फंक्शन लिया मैंने क्या एफ इक्वल टू एक्स, मिले नहीं मिलेगा. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.